सियासी मंजरनामे का रुख करते हैं। आसिफ जरदारी साहब बिल्कुल ठीक हैं और आइसोलेशन में हैं। लोग आसिफ जरदारी के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाना बंद करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर रहमान मलिक ने खबरदार कर दिया। कहते हैं आसिफ जरदारी या किसी और के खिलाफ अगर कोई झूठी खबर आई तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। वो दिन न्यूज़ के प्रोग्राम बेदारी में एंकर पर्सन उजमा खान धोमी से गुफ्तगू कर रहे थे। हम जापान में थे, आसिफ जरदारी साहब का बयान भी आया, कल को सेहत थे, बड़ी फाइन लोग उठा रहे थे। वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, ठीक ठाक है, लेकिन जाहिर है सारी दुनिया आइसोलेशन में है तो ही इज आल्सो इन आइसोलेशन। बट लेट मी कन्वे द होल वर्ल्ड परफेक्टली फाइन, वो सेहतमंद है। दो इतनी सजाएं काटी उन्होंने मुफ्त की बगैर किसी जुर्म के। बहरहाल ही इज अ ग्रेट लीडर विद कंसेंसस और हर चीज़ उन्होंने एक अपने अंदाज से चलाई है, तो उनके लिए दुआ करें। बल्कि ये ऐसी मनूस बातें रोज़ मैं जो मीडिया में देखता हूँ कहनी बंद कर दें, अच्छी बात नहीं होती है। और अगर अब कोई ऐसी स्टोरी आई ऐसी आसिफ जरदारी साहब के मतलब या किसी और के मतलब और जिस काउंट से आएगी मैं सो मोटो लेते हुए आई टेक एक्शन। दिस इज अ फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन। लिहाजा मैं सबको वार्न करता हूँ कि अब ये डिसइंफॉर्मेशन और ये फेक न्यूज़